हेलो गाइस, आज मैं आपको मेरा नया लैपटॉप, नया डिस्कवरी केस का, इस लैपटॉप का फीचर्स बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सबसे पहले तो इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए ताकि मेरे नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन हर रोज मिलते रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो का रिव्यू। तो सबसे पहले तो जब हम इसे खोल, यहाँ पे साइड पे देख लेते हैं। हम लोग साइड पे यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही सॉकेट मिलता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे माउस का सॉकेट है। यहाँ पर अगर हम लोग इसे प्लग इन कर देंगे तो माउस प्लग इन हो जाएगा। उसमें बस हमें एंटर और एग्जिट का मिलता है बटन, और कुछ नहीं मिलता। वैसे माउस फिलहाल भी मेरे पास नहीं है, पर आप दूसरी वीडियोज में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको माउस दिख जाएगा। अगर आप नया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो हम जब इसे खोलते हैं अपना, यहाँ पर तो एक लॉक होता है। जब लॉक हम लोग खोलते हैं तो हमें यहाँ पे 4.5 इंच की स्क्रीन मिलती है, जो किड्स के लिए बहुत सही होती है, जिससे वो देख सकते हैं अच्छे से। अगर ज़्यादा बड़ी स्क्रीन होगी तो उनके आई पर इफेक्ट बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो सबसे पहले तो ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर है। ये आपका पूरा कीबोर्ड है। यहाँ पे शिफ्ट की है, एंटर की है, बहुत सारी कीज है सब। और यहाँ पे कंट्रोलर नहीं है, यहाँ पे बस हमारे पास आपको मिलता है यहाँ पे अप डाउन राइट लेफ्ट एंड एंटर एंड एग्जिट। सो सबसे पहले हम लोग इसे ऑन करते हैं। Welcome to the Discovery Kids Computer Learning Center. Please select an activity. What would you like to learn about today? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिलता है सबसे पहले तो एनिमल्स के बारे में, फिर हमें मिलता है यहाँ पे प्लैनेट्स के बारे में, फिर हमें यहाँ पे म्यूजिक मिलता है, प्लेसेस मिलती हैं, फिर साइंस के बारे में, यहाँ पे मैथ्स के गेम्स मिलते हैं। इसमें असल में आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एनिमल्स में सबसे पहले हर एक चीज़ में, एक एक्टिविटी में आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ और डिफरेंसेस दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पे देखते हैं, आपको यहाँ पर मतलब साउंड दिखने लगती है। साउंड अगर जाते हैं तो आप यहाँ पे धीमी कर सकते हैं साउंड, अगर आप बढ़ानी है तो यहाँ पे कर सकते हैं क्लिक। ठीक है, तो हमें अब इसमें डिफरेंस ढूंढना है। मैं कोई भी पे क्लिक कर लेता हूँ, अगर सही होगा तो। देखिए नो आ रहा है यहाँ पे, मेरा गलत है, तो इसका मतलब एक सही भी हमें बताएगा हमेशा कि ये डिफरेंस है। अच्छा सही है डिफरेंस। अब इसमें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर है, तो हम लोग कर देंगे तो ग्रेट, यहाँ पे सही है आंसर। तो अब मैं आपको पूरा नहीं खेल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं प्लैनेट पर। प्लैनेट पर क्या होता है कि हमें यहाँ पर आपको सारे जो है ना वो मिलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको सारे प्लैनेट्स मिलते हैं। व्हाट इज दिस प्लैनेट, बिगर प्लैनेट, फार्देस्ट ऑफ डिफरेंसेस, स्पेस कुछ मिलता है आपको। स्पेलिंग डालिए, स्पेलिंग मैं दिखाता हूँ आपको। स्पेलिंग अगर आपको मान लीजिए कोई आवाज़ ठीक से सुनाए तो आप यहाँ पे आपका बटन होता है रिपीट क्लियर, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो अब मैं डाल देता हूँ, अगर मैं सही डाल एंटर करूँगा तो ग्रेट आएगा, सही है मैं इसका मतलब मेरा आंसर। अब मैं यहाँ पे इसे एग्जिट कर देता हूँ। अब हम लोग आते हैं म्यूजिक पर। म्यूजिक में सबसे पहले आपको अगर कोई गाना सुनना है, सबसे पहले तो आप प्ले म्यूजिक में जाइए, मतलब सॉरी सॉरी वर्ल्ड सॉन्ग्स पर जाइए। यहाँ पे आप लिसन पे भी जा सकते हैं, मतलब जैसे आप किसी चीज़ पर हैं तो आप लिसन पर जाइए, गाना बजने लगेगा। पर मैं अभी इस पर जाऊँगा तो मैं आपको प्ले म्यूजिक पे दिखाता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे जो आपको आंसर से लेकर ये जो एंटर की तक दिख रही है, ये क्यू से लेकर ओ तक, और फिर अप का बटन, फिर रिपीट, और यहाँ से ये पूरा। इसमें आप कोई भी अगर की प्रेस करेंगे तो आप गाना बजा सकते हैं अच्छा सा एक। तो मतलब इसमें मतलब प्रैक्टिस ये होती है आपको गाना बजाने के लिए। ठीक है, फिर अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पर, जो है प्लेसेस। प्लेसेस पर आपको इसमें बहुत, मैं तो बताऊंगा, बहुत सही चीज़ है ये। और प्लेसेस का अगर आपको यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे कोई चीज़ जाननी है, मैं तो पहले दिखाता हूँ आपको। ये भी है, मान लीजिए आपको ये दिखाना है ये कहाँ पर है, ये पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा कि अफ्रीका है कि, मैं तो अफ्रीका डालता हूँ, अफ्रीका सही हो गया, सही है मेरा, क्योंकि मेरे को पता है उस जगह पर। ये बहुत हमारी मदद करता है। यहाँ पे साउथ अमेरिका होना चाहिए, पर यहाँ पे साउथ अमेरिका नहीं होगा, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी, यहाँ पे लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, अब हम लोग बैक जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं साइंस को। इस पर साइंस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ये मिलती है, नोटबुक, खासकर नोटबुक में आप, सॉरी मैंने पहले से डाल रखा है अपना। अब नोटबुक में आने लीजिए, आपको कुछ टाइप करना है। देख लीजिए मैंने यहाँ पे डाला है माय ग्रेट गुड बॉय, मतलब मेरा सही से नहीं आ पाया, मतलब अगर आपको धीरे डाल के दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है सही,
सॉरी गाइस, यहाँ पे हाँ अब पूरा सही हो गया मेरा, माइनस गुड बॉय। यहाँ पे लेकिन एक ही इसमें दिक्कत होती है, नीचे तक पूरा नहीं जा सकता क्योंकि 4.5 इंच स्क्रीन है। अगर आप इससे को डालने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, जा ही नहीं पा रहा है आपके, कुछ भी डाल लें। और एक और खासियत मैं आपको नोट पैड की बात बता दूँ, आप अगर आपको इनमें से कुछ भी चाहिए ऊपर जो आ रहा है, मान लीजिए आप शिफ्ट दबाएंगे, आपको परसेंटेज परसेंट डाल सकते हैं, आप डॉलर का साइन डाल सकते हैं, आप नंबर डाल सकते हैं, आप एट द रेट डाल सकते हैं, एट द रेट सॉरी आप ये डाल सकते हैं, आप ये डाल सकते हैं, तो आप कैसे डाल सकते हैं, सारे नंबर भी डाल सकते हैं। हाँ, और अगर आपको यहाँ से सीधे मेन मेन्यू में जाना है तो आप पहले तो ये कर सकते हैं मेन मेन्यू में, तो मेन मेन्यू में आपका हाथ है। अब हम लोग को यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक वो करके दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई गेम खेल के दिखाता हूँ। 5, 6, 5 से असल में 30 होता है, मेरे को आता है। देखिए सही आ रहा आंसर मेरा, 9, 3, 27 जीरो जीरो से ऑफकोर्स जीरो ही होते हैं, हमें तो इतना पता ही है। तो मैंने आपको इतने गेम खेल के दिखा दिए अब, और फिर हम लोग कीज पर आते हैं। जैसे मान लिया आपको लेसन मैं आपको बता चुका हूँ, आप नोट पैड में जाइए, यहाँ पे नोट पैड में आप जाइए, यहाँ पे कैप्स लॉक अगर आप ऑन कर देंगे, कैप्स लॉक देखिए यहाँ पे सी आ रहा है पन के ऊपर, मतलब कैप्स लॉक ऑन है। अब आप कैप्स लॉक में देख लीजिए, यहाँ पे पूरा मतलब कैप्स लॉक में ऑन है, तो यहाँ पे मतलब कैपिटल लेटर में ही आएगा। अब कैप्स लॉक बंद कर देंगे तो यहाँ पे देखिए, देख लीजिए वही फिर से वही आ गया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे ये पूरा हो चुका है हमारा मेन मेन्यू, बता दिया मैंने। हाँ, एक चीज़ और बतानी मेरे को आपको, वो चीज़ ये है, मान लीजिए आप ये कर रहे हैं, आप यहाँ पे कर रहे हैं स्पेलिंग, अब यहाँ पे आपको पता नहीं है कौन सा है, तो आप पे यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं, तो आपको आंसर पता चल जाएगा, वरना आप अगर गलत नहीं करना चाहते अपना, तो यहाँ पे आंसर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आंसर, हाँ तो ये सब हो सकता है, सही हो सकता है। अब अगर आपको चाहिए, अब अगर आपको चाहिए, यहाँ पे मैंने आपको ये बैक वगैरह सब कुछ बता दिया था, शिफ्ट बता दिया, मैंने आपको वॉल्यूम का भी बता दिया था। अगर आपको इसकी ब्राइटनेस कम करनी है, बहुत ज़्यादा कम करनी है, तो आप ये कर सकते हैं, और जब एकदम मेन हो जाएगी तो आपकी आवाज़ आने लगेगी, अगर एकदम डार्क करनी है तो ये आवाज़ आने लगेगी। तो और यहाँ पे स्पेस का तो मैं आपको थोड़ा टाइप करने का सब कुछ बता ही चुका हूँ, और यहाँ से अगर आपको ऊपर नीचे जाना है, तो आप अगर ऊपर नीचे जाना चाहते हैं तो ऐसे हो सकता है, देख सकते हैं आप, मेन मेन्यू में जाएंगे, ऐसे जा सकते हैं आप, आगे पीछे जा सकते हैं आपको जो गेम्स खेलने हैं। तो गाइज यही था मेरा रिव्यू इस डिस्कवरी किट्स के लैपटॉप के बारे में। जहाँ तक मेरा मानना है, आपके चाइल्ड की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपका बच्चा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं, और आपको मेरे हिसाब से ये आपको अपने बेटे के लिए खरीदना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि जो हमारी नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो बाय बाय गाइस, अगली बार मैं आपको अगली वीडियो मिलता हूँ, बाय।